हेलो एवरीवन। सो अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है। तो आर्टिकल नंबर 99 और 100 जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 99 बात करता है ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर्स। तो जितने भी मेंबर्स जो राज्यसभा या लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल रेस्पेक्टिवली में जब इलेक्ट हो जाते हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल उनको ओथ लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट के सामने। तो यहाँ ये बात जो है ध्यान रखने की वो है कि थर्ड शेड्यूल में ओथ्स के प्रोविजन्स हैं। ओथ्स बता रखी है कि जो मेंबर्स हैं वो ओथ्स कैसे लेंगे, कि मैं भारत का नागरिक, भारतीय संविधान का ध्यान में रखते हुए ये कार्य करूँगा और भारत के संविधान को उल्लंघन नहीं करूँगा। इस तरह की जो भी ओथ है जो थर्ड शेड्यूल के अंदर है उस ओथ को वो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। तो ये है आर्टिकल नंबर 99। फिर आर्टिकल नंबर 100 है जो कि बात करता है वोटिंग राइट्स और पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल 100 ये बात करता है कि जब भी कोई भी बिल या कोई रेजोल्यूशन जब हाउस में, जो राज्यसभा या लोकसभा में कोई भी बिल या रेजोल्यूशन पास करना है तो उसमें वोटिंग राइट जो है वो सारे मेंबर्स को होगा, लेकिन जो चेयरमैन है राज्यसभा में और जो स्पीकर है लोकसभा में, इनको वोटिंग का राइट नहीं होगा इनिशियली जब कोई बिल या कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो। लेकिन अगर मेंबर्स जितना जिन्होंने वोट डाला है वो इक्वली डिवाइडेड हो गए, सपोज मान लीजिए जैसे कि अपने राज्यसभा में 250 मेंबर्स टोटल हैं, 250 मेंबर्स में से आज मान लीजिए 200 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हैं और 200 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उन्होंने 100 वोट एक साइड डाल दिए, 100 वोट फेवर में डाल दिए, 100 अगेंस्ट में डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो एक पर्सन जो आज एक्स्ट्रा है जो अपने चेयरमैन है वो अब उनके पास राइट है कि वो अपना जो वोट कास्ट कर सके। तो मतलब कुल मिला के 201 मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए, जो चेयरमैन थे वो अलग हट जाएंगे, 200 मेंबर्स ने वोट किया, 100 इधर आ गए, 100 इधर आ गए, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब जो चेयरमैन का वोट, अब यहाँ पे चेयरमैन को वोट डालना पड़ेगा, चेयरमैन जिधर वोट डाल देंगे वही उस तरह का जो फॉर्म है या अगेंस्ट में वैसा काम हो जाएगा। सेम विथ लोकसभा, लोकसभा में भी अगर मान लीजिए 500 लोग हैं, 501 लोग आए हैं, 250 इधर हो गए, 250 इधर हो गए, तो एक वोट जो है वो स्पीकर को डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्पीकर के वोट, स्पीकर का जो वोट है वो काम में आता है, अदरवाइज स्पीकर का वोट काम में नहीं आएगा अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो। फिर आर्टिकल 100 में आगे बात करिए कि अगर कोई मेंबर, जो मेंबर डिस्क्वालिफाइड था लेकिन वो करंट में लोकसभा या राज्यसभा में बैठा हुआ था और उसने वोट कास्ट कर दिया और ये चीज बाद में पता लगती है कि वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन था, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि जिस चीज के लिए उसने वोट कास्ट किया है अब वो इनवैलिड हो जाएगी, वो वैलिड ही रहेगी। फिर आगे आर्टिकल 100 में बात करी है कि कोई भी बिल या रेजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि 1/10 कोरम का होना जरूरी है। तो लोकसभा में जैसे 552 लोग होते हैं तो 552 का 1/10 हो गया 53, 53 लोगों का होना जरूरी है उस हाउस में अगर कोई रेजोल्यूशन या कोई बिल पास करना है तो। और जब भी हम जैसे देखेंगे आगे तो किसी ना किसी बिल के लिए कि 1/10 51% मेजोरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो ऐसा तो उस हिसाब से वो मैनेज होता है। अगर 1/10 नहीं होते हैं तो स्पीकर या चेयरमैन दोनों के पास पावर है कि वो, अगर स्पीकर है तो डिसॉल्व कर सकते हैं और चेयरमैन है तो वो स्टॉप कर सकते हैं जब तक कि पूरे 1/10 कोरम जो है वो फुलफिल नहीं हो जाती, उतने मेंबर्स नहीं आ जाते तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये है आर्टिकल नंबर 100 कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है। थैंक यू।